अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। तो अब हम जो है ना, इसका हम डिटेल आप लोगों को बताएंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इसमें सिम भी लगता है और दूसरा जो है ना, ये ई सिम से कनेक्ट है। अभी ई सिम तो ये पाइप जनरेटर है जैन का, आप लोग देख रहे हैं, नोकिया का रूटर है। तो इसका स्पीड हम चेक करेंगे एसटीसी के साथ, और इसका स्पीड आएगा वाई फाई रूटर और दूसरा जो है ना एसटीसी का, वो आएगा तकरीबन मोबाइल आईफोन 12 प्रो मैक्स में। इसका स्पीड हम चेक करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। बाकी मैं मोबाइल में दिखाता हूँ कि इसका स्पीड कितना आता है और दूसरा इस टी सी सेम का कितना स्पीड आता है। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ सिटी रियाद में, शमेसी में। तो ये जैन का है, बाकी बड़ा काफ़ी बड़ा रूटर है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये नीचे जो है ना दूर चटी हुई है, रिसीवर टीवी में चलाता नहीं, ये मैं कभी टाइम नहीं मिलता इसको फेंक दूँ। तो ये देख आप लोग देख सकते हो, उसमें जो है ना 5G सिग्नल बराबर आ रहा है। जब 5G सिग्नल नहीं आता है तो ये 5G जो वाइट लाइट है ये नहीं चलता है, सिर्फ ये ग्रीन चलता है और तीन लाइटें चलते हैं। लेकिन इसमें 5G बराबर आ रहा है तो ये चलता है, देख ले आप लोग। तो अभी मैं मोबाइल के स्क्रीन पे तुम लोगों को लेके जाता हूँ कि उसका स्पीड कैसे आता है। तो मैं इसमें जो है ना, ये कबाड़ खाना है हमारा, तो मैं इसको जो है ना आईपैड में गेम खेलता हूँ, आईपैड में यूज़ करता हूँ। ये हेडफोन है हमारा, ये लगाटो है। तो ये सिस्टम है हमारा, वो हेडफोन है, पता नहीं कौन से कंपनी का है। और ये हमारा जो है ना, वो क्या नाम है उसका, आईपैड प्रो है। और ये जो है ना हमारा MSI का लैपटॉप है। तो लेकिन हमारा जो है ना थोड़ा सा मसला हो गया था, वो ये क्या नाम है उसका, वो Core i7 9th generation, तो उसका मसला हो गया था पबजी का। और नई अपडेट के साथ जो है ना मेरा पिंग हाई हो गया था, 200 पे फिक्स हो गया। तो मैंने उसको फिर पबजी टीम को जो है ना, उसको क्या नाम है, उसको मैसेज किया तो उसने फिक्स कर दिया। लेकिन मैंने गलती में सर्वर चेंज किया, तो अभी सर्वर दोबारा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले किया था तो मैंने उसको मैसेज करके दोबारा एक दफ़ा चेंज किया था। तो अभी दोबारा कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो चेंज सर्वर नहीं हो रहा है। तो अभी ये हमारा साथ आईपैड है, इस पर हम खेलते हैं 20 प्रो पे। तो अभी हम मोबाइल पे स्क्रीन पे लेके जाते हैं, उसका स्पीड चेक करते हैं आप लोगों के सामने कि कितना स्पीड आता है उसका। तो चलो शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हम चेक करते हैं कि इसका स्पीड कितना आता है वाईफाई का। आप लोग देख सकते हैं वाईफाई के साथ कनेक्ट है, नोकिया रूटर वाईफाई। तो मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ये देख सकते हो आप लोग नोकिया, ये देख, ये नोकिया, ये दो कनेक्शन वैसे देते हैं, एक 4G और एक 5G। तो अभी 5G के साथ कनेक्ट है, पहले 5G का टेस्ट करेंगे, फिर 4G का टेस्ट करेंगे, फिर मोबाइल का वो एक अलग नेटवर्क है वो भी चेक करेंगे, मोबाइल में 12 प्रो मैक्स में जो फड़ा है वो भी 5G का स्पीड है वो चेक करेंगे। तो पहले ये करते, ये 5G का पहले करते, ये 5G नहीं, पहले ऐसे करते ना कि 4G, ये भी नोकिया के, लेकिन दो कनेक्शन देते हैं 5G 4G। तो 4G का पहले करते, जो वाईफाई का वो नोकिया का जैन का 5G लगा था, उसका रूटर है दोनों कनेक्शन, तो पहले करते इसका। तो ये मैंने पता नहीं फॉरगेट किया है, लेकिन पहले इसको चेक करते 4G का इसका पासवर्ड क्या था यार। इनकरेक्ट, इसका पासवर्ड मैंने अलग लगाया था। नहीं, इसका पासवर्ड मैं भूल गया भाई। हाँ, तो ये अभी देख सकते हो, अभी 5G से 4G से कनेक्ट हो गया, 4G से कनेक्ट हो गया। पहले इसका स्पीड टेस्ट करते हैं 4G का, वाईफाई का कितना स्पीड आता है।
तो ये आईफोन है 12 प्रो मैक्स, मैं पहले ये भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो 12 प्रो मैक्स, सही है। तो चलो, और इसका कनेक्शन आएगा 5G, लेकिन वो बाद में दिखाते हैं, पहले इसका स्पीड चेक करते हैं कितना स्पीड आता है इसका। नोकिया यार, नोकिया रूटर का 4G का स्पीड कितना आता है? किधर गया स्पीड मीटर यार? ये रहा सर्वर, कौन सा पाउंड सर्वर, रियाद। ओके, तो ये ले चल, ये 4G का स्पीड है, रूटर पे 4G का है, सही है, 4G कनेक्शन का है। इसका स्पीड कितना था ये देख ले आप लोग, 13 पिंग देते हैं, जटर जो है ना 3.7, दूसरा जो है ना ये डाउनलोडिंग स्पीड आया 83, ये 4G का है। और जो नोकिया रूटर है ना उसमें दो कनेक्शन आते हैं, वैसे जो 5G कनेक्शन रूटर आया उसमें सब में दो कनेक्शन आते हैं, तू बंद भी कर सकते हैं कनेक्शन, लेकिन मैं दोनों चालू करता हूँ क्योंकि नीचे मेरा भाई है और नीचे रूम में रहता है, तो उसका जो है ना उधर 5G नहीं पहुँचा तो 4G उधर सही आता है, तो 4G के साथ वो कनेक्ट होता है। तो ये हो गया 4G का रूटर का। तो मेरे मोबाइल में अभी जो फड़ा है ना मेरे मोबाइल में, वो है, इसको हम बंद कर देंगे, वो है यानी 4G सिम है, लेकिन उस कंपनी में जो है ना 5G है, तो इसलिए 5G कनेक्ट होता है। ये है सिम वैसे 4G, 5G नहीं है, लेकिन उस शर्के में है ना कंपनी में जो है ना वो 5G है, तो इसलिए ये 5G आता है। देख, ये 4G सिम है वैसे, और सिग्नल भी एक काम है उसका, देख। तो चल पहले हम उसको दिखा दें, ये देख सेलर डाटा किधर गया, प्राइमरी सिम यही है मेरे ख्याल से, हाँ यही है। ये देख नेटवर्क सिलेक्शन HTC KSA 5G ऑटो पे है, सही है। तो अभी हम इसका चेक करते हैं, ये देख इसने डायरेक्ट से पकड़ लिया सऊदी टेलीकॉम कम HTC, इसने खर्च का सर्वर पकड़ लिया, सही है, खर्च का ऑटोमेटिक उसने पकड़ लिया। तो इसका भी चेक करते हैं इसका कितना आता है, इसका फिंग आता है 23 और जिटर आता है 5.7, और इसका स्पीड इतना आता है। ये सिटी है शमेसी, शमेसी अजलिया उम सलीम, सही है। और दूसरा अभी हम दिखाते तुझे किसका ये पिंग आया, दूसरा अभी हम दिखाते हैं तुझे, तीसरा सॉरी, वो 5G रूटर का और नोकिया रूटर का। तो उसका हम इधर जाएंगे, तो इधर से उसका ऑन करेंगे, ये 4G के साथ कनेक्ट है, तो हमने उसको 5G के साथ कनेक्ट करना है, सेटिंग में जाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से इधर नहीं जा रहा है। चलो आ गया, ये 5G के साथ मैंने उसको कनेक्ट कर दिया, सही है। तभी चेक करते इसका, ये देख अचानक से चेंज हो जाएगा इसका सर्वर, ये पकड़े ना सर्वर उसने पकड़ लिया, ये भी रियाज का सर्वर पकड़ लिया इसने। तो चल ये वही रूटर का है लेकिन 5G नेटवर्क है, इसका पिंग जो आना आ रहा है ना 4, जटर 47, डाउनलोड स्पीड जो है ना इसका 371 है, और दूसरा जो है ना ये अपलोड यही है। तो आज जो मरात भी है यानी रश ज़्यादा होता है इस पर, नेट सही काम नहीं करते, वरना ये जो मोबाइल का नेटवर्क है वो 7 तक चला जाता है, 700 तक, और ये जो है ना तकरीबन ये भी 500 तक चला जाता है। तो ये रहा इंटरनेट की स्पीड। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे यार, सपोर्ट कर दे प्लीज़। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ यार अपने राय कमेंट्स में लाजिम बताइए, और सपोर्ट कर दे यार, अहम बात ये है कि सपोर्ट कर दे यार। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।
गुड बाय।